वीवो ने आज भारत में अपना एक बहुत ही खास स्मार्टफोन V17 Pro लॉन्च कर दिया है, जिसमें पहली बार आपको ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। हमारे साथ है निपुण मार्या, डायरेक्टर ब्रांड स्ट्रैटेजी वीवो इंडिया। निपुण, कुछ बताइए इस नए स्मार्टफोन के बारे में, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप वीवो की बात करिए तो हम हर टाइम कुछ ना कुछ नए अपने कंज्यूमर्स को देना चाहते हैं, और स्पेशली इनोवेशन की अगर बात करें तो वीवो ओवर द लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स जिस तरह से इनोवेशन हम लॉन्च करते रहे हैं, कंज्यूमर्स बहुत सरप्राइज रहे हैं और बहुत हैप्पी भी हुए हैं। ये वीवो V17 Pro जो हमारा लेटेस्ट फ़ोन है, इसमें जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट 32 MP डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा है, बिकॉज हम ये समझते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए सेल्फी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, फ्रंट कैमरा छोड़िए, आप रेयर कैमरा की बात करेंगे, सो वी हैव अ क्वाड रेयर कैमरा सेटअप एट द बैक, जिसमें 48 MP का मेन कैमरा है। तो ओवरऑल चाहे वो कैमरा की बात हो, प्रोसेसर, रैम, रोम, एक बहुत ही पावरफुल कैमरा सेंट्रिक फ़ोन हमने आज लॉन्च किया है यूज़र्स के। देखिए, आपने बात करी इनोवेशन की, इनोवेशन हमें स्मार्टफोन्स में हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन ये 2019 जो एक साल रहा है, यहाँ मैंने खासकर देखा कि कैमरा को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं? देखिए, ये आज का जो दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, और कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अगर वो पिक्चर्स क्लिक करे, चाहे वो मोमेंट आम है या खास है, वो इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाना चाहिए। तो इसको देखते हुए कैमरा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंज्यूमर्स, और स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जो सारा टाइम हमारे साथ होता है। तो इसलिए अगर एक स्मार्टफोन में अच्छा कैमरा है तो आपकी सोशल लाइफ, आपके लाइक्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ओवरऑल बहुत बढ़िया बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक कैमरा पे इतना फोकस है। और अगर आप कैमरा में ही बात करें तो वीवो ने जिस तरह से इनोवेशन किया है कैमरा में, वी हैव सीन कि बाकी इंडस्ट्री को लीड किया है इनोवेशन। तो आपने बिल्कुल इनोवेशन करें हैं, लेकिन दूसरी कंपनीज भी कहीं ना कहीं कोई 64 MP का कैमरा लेकर आ रहा है, कोई शार्क फिन कैमरा लेकर आ रहा है, तो कंपटीशन को किस तरह से देखते हैं मार्केट में? देखिए, कंज्यूमर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। हमारा जो इसका आइडिया है, अगर आप बात करें कि V17 Pro का, वो है क्लियर एज रियल। पिक्चर इतनी ज़्यादा क्लियर हो कि वो आपको लगे कि एक्चुअल में रियल चीज़ आपके सामने है। सो विद दिस फिलॉसफी वी हैव मेड दिस फोन, एंड आई थिंक कंज्यूमर इस चीज़ को समझता है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेगापिक्सल, इट इज़ अबाउट व्हाट यू गेट एज अ रिजल्ट, और इस फोन में आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। अब मैं बात करूँगा फेस्टिव सीजन की, तो फेस्टिव सीजन ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेल्स में हम ग्रोथ देखते हैं स्मार्टफोन्स की भी, खासकर वो इसी सीज़न में होती है। तो किस तरह से देखते हैं इस साल के सीज़न को, और क्या सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, फेस्टिवल सीज़न ऑफ कोर्स बहुत कंज्यूमर्स के लिए और हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। हम सब भी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि फेस्टिव सीज़न आए और हम अपने कंज्यूमर्स को कुछ नई ऑफरिंग्स दे पाएँ, वो चाहे इनोवेशंस की तरह से है या ऑफर्स की तरह से है। तो इस बार आई थिंक हम दोनों दे पाएंगे, बिकॉज V17 Pro में अच्छी इनोवेशंस भी हैं और अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी हैं। पिछले अगर 2 महीनों की मैं बात करूं, 3 जुलाई को आपने जेड सीरीज़, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में, तब से लेकर अभी तक आपके 4 स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। आगे चलकर किस तरह के और नए इनोवेशन और फोन्स हम देख सकते हैं? हमने अपने कंज्यूमर्स को प्रॉमिस किया था हम 6 लॉन्च करेंगे। तो इसलिए अभी आई थिंक और भी अभी आप सरप्राइज देखेंगे। इम्पॉर्टेंट ये था कि फेस्टिव सीजन में आते हुए हम पूरी तरह से तैयार रहें और कंज्यूमर्स को अच्छी ऑफरिंग्स दें। आई थिंक वो हम कर रहे हैं, और आई थिंक कंज्यूमर्स काफ़ी पसंद करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।